देखो रियल मुद्दा ये है कि व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर टू वॉच दिस सीरीज, मींस टोटल 8 एपिसोड है, नेटफ्लिक्स ने पहले ही बोल के रखा है कि किसी भी ऑर्डर में देख सकते हो, लेकिन फिर भी माइंड में आता है कि कौन सा बेस्ट ऑर्डर है जिसकी वजह से आप ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। इधर में बैठा है, सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, बस एक चीज चाहिए आपका साथ इस वीडियो के अंत तक। शुरुआत करें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हुए कि भाई आप टोटल कितने तरीकों से इस सीरीज को देख सकते हो, तो उसका जवाब है 5040। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। यस भाई, आप थोड़ा सा मैथ यूज करोगे तो इस सीरीज के 7 एपिसोड को देखते हुए आप 5040 तरीके निकाल सकते हो इस सीरीज को वॉच करने का। सोच रहे होगे कि टोटल 8 एपिसोड हैं और तुम 7 बोल रहे हो। यस 8 एपिसोड है, लेकिन जो व्हाइट नाम से एपिसोड है दैट मींस द हाइट, वो आपके लिए मस्ट वॉच है। बाकी 7 के साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बहुत से लोग होंगे कि सोच रहे होंगे भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो मैं बता देता हूं कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर कल एक हाइस्ट ड्रामा रिलीज की गई थी जिसका नाम था कलाइडोस्कोप। टोटल इसमें 8 एपिसोड थे जिनकी जो लेंथ है वो आपको 40-50 मिनट के बीच में देखने को मिल जाती है। नेटफ्लिक्स ने पहले ही बोल के रखा था कि आप इनको किसी भी ऑर्डर में देख सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखो या फिर पीछे से स्टार्टिंग पर आओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको जैसा चाहो वैसा देखो, एक्सेप्ट 8वां एपिसोड। निश्चित हिंदी डब में मिल जाएगी, बट इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख नहीं सकते क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो 18+ है। अब एपिसोड की बात करें तो उनके नाम है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, रेड, पिंक और व्हाइट। हर एक एपिसोड का नेम के अकॉर्डिंग उनका अलग मीनिंग है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट ऑर्डर है जिसकी वजह से आप इस सीरीज को ज्यादा एंजॉय मारोगे। तो मैंने टोटल 3 ऑर्डर निकाले हैं जो कि मुझे ज्यादा यूजफुल टाइप के फील हुए। पहला ऑर्डर है भाई क्रोनोलॉजिकल, मींस भाई आप बिफोर द हाइस्ट स्टार्ट को सारी चीजें और हाइस्ट के बाद तक की चीजों को देख जाओ, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसकी वजह से आप ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। यानी कि आप पहला वायलेट एपिसोड देखो जो कि आपको 24 साल पहले हाइस्ट की चीजें प्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद आप ग्रीन एपिसोड देखो जो कि आपको 7 साल पहले की चीजें प्रेजेंट करेगा, फिर येलो पर आओ जो कि आपको 6 वीक पहले की चीजों को प्रेजेंट करेगा, ऑरेंज पर आओ जो कि आपको 3 वीक पहले चीजों को प्रेजेंट करेगा, ब्लू पर आओ जो कि आपको हाइस्ट के 5 दिन पहले की चीजों को प्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद आप व्हाइट देखो जो हाइस्ट हुआ उसके बारे में जानो, फिर रेड एपिसोड देखो जो कि आपको हाइस्ट के बाद मॉर्निंग में क्या चीजें हुई उसको प्रेजेंट करेगा, लास्ट में पिंक एपिसोड देखो जो कि आपको 6 महीने बाद क्या चीजें होती हैं उन चीजों को प्रेजेंट करेगा। ये एक बेस्ट ऑर्डर है जिसको आप ट्राई मार सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले हाइस्ट के बारे में जान लो, फिर उसके बाद उन चीजों को डिकोड करना शुरू करो, उनकी प्लानिंग क्या थी, एग्जीक्यूशन क्या थी, और लास्ट में हाइस्ट के बाद हुआ क्या, तो आप ऐसे भी इस करके इस सीरीज को एंजॉय मार सकते हो, जिसको मैं नाम दूंगा रिवर्स प्रोसेस। या फिर अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो मैं ऐसे बोलूंगा कि नेटफ्लिक्स ने जो ऑर्डर प्रोवाइड किया आप उसमें देखो, बस 7 और 8 एपिसोड में स्विच मार देना, 7 को 8 के बाद देखना, 8 को 7 से पहले देख लेना, चीजें आपको ज्यादा कनेक्टेड फील होंगी। बाकी बहुत सारे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आपने किस ऑर्डर में देखा है मन करेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। लेकिन अब आए रियल मुद्दे पर कि एक्चुअली में सीरीज का जो माल है वो कैसा है, तो उसका जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आइडिया दे देता हूं कि इसमें आपको कहानी देखने को मिलेगी एक ऐसे मास्टरमाइंड चोर की जो कि एक चोरी का प्लान बनाता है और उस चोरी के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो मेंबर्स को इकट्ठा करता है, उनको प्लानिंग की डिटेल देता है और साथ ही साथ आपको बैकड्रॉप क्या है हर एक्टर का वो भी देखने को मिलता है। क्या जो ये चोर का ग्रुप है अपने प्लान में सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके बीच में जो भी ट्विस्ट आएंगे उन सारे को जानने के लिए आपको इस कलाइडोस्कोप सीरीज को देखना पड़ेगा। अब इसके प्रेजेंटेशन के स्टाइल को छोड़कर के अगर मैं सीरीज को डिफाइन करूं आपके लिए तो बस मैं इतना बोलूंगा कि भाई मुझे सीरीज काफी ओके टाइप की फील हुई है। दैट मींस मेरे भाई अगर आपने बहुत सारे हाइस्ट ड्रामास देख रखे होंगे तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं दे पाएगी। डेफिनेटली सीरीज की जो मेन यूएसपी है जिसके भरोसे इस सीरीज को नेटफ्लिक्स बेच रहा है वो है इसके ऑर्डर का वॉचिंग सिस्टम। दैट मींस आप इस सीरीज को किसी भी तरीके से देख सकते हो, यही इस सीरीज का एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आप प्रो ऑडियंस हो गए तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जिनको आपने बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज में देखा है जो कि आपको हाइस्ट का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करती है। तो मेरे हिसाब से ये कहना गलत होगा कि भाई ये सीरीज पूरी तरीके से मास्टरपीस है, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसको आपने पहली बार एक्सपीरियंस किया होगा। ना ना ना, केवल आपको प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली काफी अच्छा देखने को मिलेगा, बट जो माल है वो काफी पुराना है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप एक न्यू बेबी होगे इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए, तो डेफिनेटली ये सीरीज आपको टेंशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट प्रोवाइड करेगी, एंगेजिंग टाइप की फील होगी, थ्रिलिंग टाइप की फील होगी और आप इसके हर करेक्टर को भी एंजॉय करोगे क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट वो काफी बढ़िया तरीके से की गई है। कैरेक्टर्स पर आऊं तो जो मुझे काफी बढ़िया कैरेक्टर लगा, मतलब थोड़ा सा बैड एश टाइप का फील हुआ, वो था बॉब का कैरेक्टर और जो लियो का कैरेक्टर देखने को मिलता, उनको मैंने बहुत ज्यादा इस सीरीज में एंजॉय मारा। बट परफॉर्मेंस सारे एक्टर्स की उनके स्क्रीन टाइम के अकॉर्डिंग अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू भी आपको काफी बढ़िया सीरीज में देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा मेरी शिकायत रह
जाएगी इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर के, जो कि कहीं कहीं पर आपको बहुत ज्यादा लाउड फील होगा। तो ओवरऑल मैं अगर अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो इन केस अगर आप फैसिनेट हो इस सीरीज को लेकर के, आई मीन जानना चाहते हो कि भाई एक्चुअली में इस सीरीज को जिस हिसाब से नेटफ्लिक्स बेच रहा है क्या वाकई में आपके लिए काम कर रही है या फिर नहीं, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि हां सीरीज से एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए आप इसके प्रोडक्ट को एक बार चेकआउट जरूर मारो, कुछ अलग निकल के आया है, इसको आप एंजॉय करोगे। क्योंकि भाई इस सीरीज को प्रेजेंट करने का ये काफी बढ़िया तरीका था। मे बी फ्यूचर में अगर नेटफ्लिक्स किसी दूसरी सीरीज पर यही ट्रिक आजमाता है तो मे बी हो सकता है रिजल्ट काफी डिफरेंट हो। आई मीन जैसा मैंने आपको बोला सीरीज का जो माल है वो काफी ओके टाइप का है, आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं प्रेजेंट करता एक्सेप्ट इसके प्रेजेंटेशन का स्टाइल। और बस मैं इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इस सीरीज को रेट करूंगा 7/10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो मुझे बताना कि आपने इस सीरीज को किस ऑर्डर में एंजॉय मारा है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोस देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।